हाई स्टूडेंट्स, JEE Advanced 21 रिजल्ट्स आर आउट और जैसा कि आप सभी जानते हैं मृदुल अग्रवाल ने हिस्टोरिकली हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है और ऑल इंडिया रैंक वन या नेशनल टॉप एन IIT JEE बात की जाए तो पहले भी कई बार हमारे स्टूडेंट ला चुके हैं लेकिन दिस इज समहाउ स्पेशल। और मृदुल की अगर बात करें ही स्टूड ऑल इंडिया रैंक वन इन KVPY, स्टूड ऑल इंडिया रैंक वन इन JEE Main 21 ऑल्सो एंड देर आर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स आर देर इन हिज किटी। सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिज अचीवमेंट्स। मेनली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मृदुल की एक सबसे खास बात क्या थी जो आप सबके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगी और आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को अपनाएंगे और अपने आप में जबरदस्त चेंज भी फील करेंगे। अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो 4 साल से मृदुल एलन का क्लासरूम स्टूडेंट रहा है और उसने इन 4 सालों में ना के बराबर या ये शायद कहूं एक भी क्लास मिस नहीं करी, तो उसकी कंसिस्टेंसी एक बहुत खास बात थी। लेकिन इस वीडियो में उसके एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताने वाला हूं। हमारे सभी टीचर्स की टीम बहुत प्राउड फील कर रही है जो मृदुल के साथ जुड़े रहे एलन के क्लासरूम प्रोग्राम में। 4 साल में इतने टीचर्स से उसका इंटरेक्शन हुआ और अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो इस अचीवमेंट का क्रेडिट मैं ये नहीं कहूंगा कि एलन का है, हमारे टीचर्स की टीम का है, वो क्रेडिट सबसे बड़ा तो मृदुल का है क्योंकि हम तो हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अगर ऑल इंडिया रैंक वन हमारी वजह से आती तो उन हजारों की ऑल इंडिया रैंक वन आ जाती है, बात मैंने पहले भी कही है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी हैव बिल्ट अ प्लेटफॉर्म, एलन इज सच अ प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड से, जहाँ पे कि कोई भी स्टूडेंट अगर सिस्टम को तरीके से फॉलो कर रहा है तो अपने डिजर्विंग मुकाम तक पहुंच सकता है और वो डिजर्विंग मुकाम आज मृदुल ने प्रूव किया कि हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। शायद आने वाले कोई सालों में कोई और मृदुल इससे भी बड़ा अचीवमेंट करे क्योंकि वी आर सो कॉन्फिडेंट दैट वी हैव प्रूवन दिस सच अ प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं मृदुल की कि कैसे उसने 4 साल की क्लासरूम लर्निंग में अपने आप को स्टेबल रखते हुए 4 साल की कंसिस्टेंसी से ये पोजिशन हासिल करी। तो उसकी एक सबसे बड़ी खास बात थी, मृदुल doesn't carry anything in his head. सुनने में बात बहुत छोटी लगती है बट ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि मृदुल अपने दिमाग में अपने सिर में कोई भी चीज़ कैरी करके नहीं चलता था। और बहुत सारे स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, हम ये बताते रहते हैं लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो इस बात को पकड़ते हैं। मृदुल ने बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लिया था कि अगर कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम आए, मृदुल के भी कई बार कम आए हैं, और कम आए तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना, खुशी होनी चाहिए। इसका मतलब इस टेस्ट के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे सीखने के लिए आँखें चमकनी चाहिए। टेस्ट में लो मार्क्स should always be encouraging you कि इस टेस्ट में बहुत कुछ है जो हमें सीखना है। और टेस्ट में अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए तो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमेशा यही देखना चाहिए यार इस टेस्ट में तो सीखने को कुछ नहीं था, तो इट इज समहाउ डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सो अगर ये दो थॉट प्रोसेस अच्छे मार्क्स और लो मार्क्स के लिए आपने अपने दिमाग में रखी तो ना तो सक्सेस आपके दिमाग में कैरी होगी ना ही लो सक्सेस या फेलियर दिमाग में कैरी होगी, आप हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। दैट वॉज वॉट आई वॉज मीनिंग फॉर ये मृदुल को पढ़ाते हुए जो हमने सिखाया ये एक ऐसी चीज़ थी शायद हम सिखाते उससे ज़्यादा मृदुल ने अडॉप्ट करी और उसने कभी किसी चीज़ को दिमाग में कैरी नहीं किया, इसलिए एक एग्ज़ाम के बाद अगला एग्ज़ाम उसका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहता था, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या एक्चुअल KVPY एग्ज़ाम हो, NTSC एग्ज़ाम हो, JEE Main एग्ज़ाम हो या JEE Advanced एग्ज़ाम हो, वो हमेशा ही न्यूट्रल रहता था। एंड दिस इज अ बिग लर्निंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड दैट्स व्हाट आई वुड से कि आप सभी लोग इस बात को दिमाग में रखिए, मच मोर देन टुडेज रिजल्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को सीखें कि नेशनल टॉपर की सबसे खास बात क्या थी। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा मृदुल की और खासियत, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे JEE Advanced में सेलेक्ट हुए हैं, दे आर गोइंग टू गेट इन टू IIT एंड हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ गेटिंग IITs। मोर इंपॉर्टेंट इज आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए और प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कैरियर किसी रैंक किसी एग्जाम या किसी कॉलेज से नहीं बनता, अपने दिल की जी जान लगा के मेहनत करने का एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड और एक पैशनेट अचीवमेंट की टेंडेंसी मन में लगातार रहनी चाहिए, उससे आपके करियर बनते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, चाहे वो IIT हो NIT हो। जस्ट वेट फॉर अपकमिंग वीडियोज, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन सेलेक्टिंग योर ब्रांचेस एज वेल एज कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, व्हाट बेस्ट पॉसिबल आवर टीम कैन डू, वी आर डूइंग इट फॉर यू। विश ऑल द बेस्ट।